और शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हरियाणा में सियासी गीत बदले मनमीत। बिल्कुल, हरियाणा के रण में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही सामने आई, नाराजगी का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई कद्दावर नेता इस्तीफा दे चुके हैं, एक के बाद बीजेपी को झटके लटते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर पहले बीजेपी को परेशान करने वाली एक और खबर आ गई, और ये खबर बड़ी खबर है। खबर ये है कि मशहूर गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था कन्हैया का गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं कन्हैया मित्तल। मेरे मन में कांग्रेस के साथ जुड़ाव, और कन्हैया मित्तल सारे राम विरोधी कांग्रेस में नहीं है ये भी कह रहे हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा, मैंने हरियाणा में काम करने की इच्छा जताई थी लेकिन बीजेपी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब उनका रिस्पॉन्स ये है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का हाथ थाम कर ही सही, इसीलिए अब ऑफिशियली भी ये तस्वीर आ जाएगी जहां वो कांग्रेस का दामन थामेंगे पटका पहने हुए। तो दो तस्वीरें बड़ी अहम हैं। एक तरफ तो आप देखिए कि एक तो उनका गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना किस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन से चला आया, लोगों ने खूब गुनगुनाया। लेकिन अब बीजेपी भक्त कन्हैया मित्तल कांग्रेस का हाथ थामेंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और कन्हैया मित्तल ने अपनी सारी बातें कही हैं, शामिल होने का फैसला क्यों किया, वो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन खुलकर नहीं कहा, जो भी कहा इशारों में कहा। ये कंफर्म जरूर कर दिया है कि जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया मित्तल का गाना खूब चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत पॉपुलर हुआ था। कन्हैया मित्तल लगातार सार्वजनिक मंच से बीजेपी की तारीफ भी करते चले आए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, वजह टिकट का ना मिलना। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बात की है एबीपी न्यूज से, और क्या क्या कहा उसकी डिटेल्स देखिए। करेज, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिरकार ये इतना बड़ा फैसला, क्योंकि आपका जो गाना जो है, जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, लेकिन अब तो आप कांग्रेस में जाने वाले, आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने तो राम को आने से रोका, तो अब इतना बड़ा फैसला कैसे? नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उसकी गीत का हिस्सा, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए कांग्रेस के आने वाले जो यूथ है उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सारे राम विरोधी ही कांग्रेस में हैं, वहां भी राम को चाहने वाले, वहां भी सनातनी हैं, तो सबके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो कहे बीजेपी के ये फैसला लेने से पहले आपकी बीजेपी के किसी नेता से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई? मेरी मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हरियाणा में काम करना चाहता हूँ, मुझे मेरा साथ लिया जाए, मेरा सहयोग लिया जाए, मगर मुझे कहीं कोई रिस्पांस नजर नहीं आया किसी का, तो मुझे लगा कि काम तो करना ही है, तो वहां करे जहां जरूरत है हमारी। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोबारा आने वाले हैं, सत्ता में आने वाले हैं, और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी तो फिलहाल तो 50-50 है, क्या हो सकता है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, मगर क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, कब दिखाई देंगे कांग्रेस के लिए प्रचार? ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, लेकिन हम जरूर कुछ ना कुछ गाएंगे, कुछ लिखेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा हमारा मन है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस में कहाँ शामिल होंगे आप, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? ये आने वाला समय में ही पता लगेगा, अभी बात चल रही है और जैसे ही क्लियर होगा सबको पता लगेगा। तो कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? कमेल, ये तो तय है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैंने बीजेपी कभी पकड़ी नहीं थी, मैंने गीत गाया था और मेरे गीत को बीजेपी ने यूज किया, उसको इस्तेमाल किया, मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, जो लोगों की मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया भाजपा का, इवन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके एवज में कभी भाजपा ने इस चीज का समर्थन नहीं किया कि हाँ इस बच्चे का, इस गायक का हमें कोई साथ देना चाहिए या इसके लिए कुछ बात करनी चाहिए, कलाकारों के लिए कुछ बात करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस विषय को कांग्रेस समझती है और कलाकारों के विषय के लिए कुछ काम करेगी।
यानी आपका कहना है कि आपको मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए? मान सम्मान मुझे बीजेपी से कोई आशा भी नहीं थी मान सम्मान की, ना मैंने मान सम्मान के लिए कार्य किया था। मगर हम लोग कलाकार लोग हैं, हम चाहते हैं कि जिस कलाकारों को भी मान सम्मान मिले वो भी आगे बढ़े कहीं ना कहीं और देश के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा को और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। विक्रय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी जैनेन्द्र का, उनसे जानकारी लेते हैं कि कांग्रेस खेमे में उनके पहुंचने की कब तक खबर मिल रही है। जैनेन्द्र, ये तो देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा लहराएंगे, ये तो बच्चा बच्चा जान रहा था कि ये गीत किसके लिए समर्पित हो सकता है, लेकिन अब सुर बदल गए, ताल बदल गए, समीकरण बदल गए, खबर कब तक आएगी कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे कन्हैया? जैनेन्द्र, आप स्क्रीन पर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो जानकारी यही है, जानने की कोशिश यही है कि जो वो बात खुद कह रहे हैं उस पर उन्होंने फ्यूचर टेंस लगा दिया, ये कहा है कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से क्या पता चल रहा है, खेमे में क्या बातचीत चल रही है कन्हैया को लेकर के? तो देखिए, खिलाड़ियों का साथ तो मिला कांग्रेस को हरियाणा में, लेकिन अब कन्हैया कुमार कहते हैं कि मान सम्मान तो मिला लेकिन प्रतिनिधित्व भी चाहिए था गायकों को, कलाकारों को, और वो प्रतिनिधित्व जिसकी उम्मीद थी वो बीजेपी से तो मिला नहीं। अब रिस्पांस उसी प्रतिनिधित्व को, वो कह रहे थे अपनी काम करने की इच्छा जताई थी, यानी वो चाहते थे कि उन्हें भी टिकट मिले और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, लेकिन वो टिकट नहीं मिला, इसे अब उन्होंने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। लेकिन ये भी वो कहते हैं बातचीत में कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि चंडीगढ़ या दिल्ली कहां से वो हाथ थामेंगे कांग्रेस का। इसे लेकर के हम भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि पूरे 2022 का चुनाव ताना बाना, जिस इलेक्शन कैंपेन के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक गूंजता रहा, उस म्यूजिक को गाने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो वो कहां शामिल होंगे और क्या क्या कहते हैं, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं बीजेपी को। हरियाणा में ये कोई पहला झटका तो लगा नहीं है, चंद दिन पहले ही हरियाणा के सिंगर रॉकी मित्तल ने भी बीजेपी से दूरी बना ली थी, कांग्रेस के मुरीद हो गए थे, कभी अपने गीतों से सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पर वो निशाना साधते थे। रॉकी मित्तल रणदीप सुरजेवाला के साथ मंच पर गीत गाते नजर आए, राहुल गांधी से माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए वो। तो देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, आप किस तरीके से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कन्हैया तो दूसरी तरफ रॉकी मित्तल। सतीश बंसल कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सतीश जी, क्या सोचना है कन्हैया को लेके आप लोगों का? उन्होंने तो कह दिया कि भाई बातचीत चल रही है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कहां ज्वाइन करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। देखिए, किसी भी व्यक्ति की, चाहे कोई भी हो, जिसकी कांग्रेस के प्रति जिसकी आस्था हो या जो आइडियोलॉजी मानता हो, तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसको हमारी पार्टी के अंदर कोई, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से, हमारी आस्था के हिसाब से, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारी पॉलिसियां हैं, तो आ सकता है, स्वागत है। ये तो ठीक है, लेकिन कब तक और किस तरीके से? उनकी आइडियोलॉजी तो जग जाहिर है, वो तो गीत गाते चले आए हैं, भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, वही वही वाले कन्हैया मित्तल हैं जी। हमारी पार्टी के अंदर जी सनातनी, अब हम, मैं, मुझे ही लगा लो, तो हमसे बड़ा सनातनी कौन है? तो कांग्रेस पार्टी तो सब वर्गों को, सब जातियों को, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, चाहे सनातनी हो, चाहे सिख धर्म हो, सब धर्मों को, तो हमें तो इस चीज से कोई वो ऐसा है नहीं। सतीश जी, आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा ना, खिलाड़ियों का साथ मिल गया, पहलवान भी साथ आ गए, गायक भी, एक रॉकी जी तो आ ही चुके हैं, और कन्हैया को लेकर भी आप लोगों की प्लानिंग चल ही रही है, वही तो पूछ रही हूँ, बताइए ना वो प्लानिंग कब तक ज्वाइन कराइएगा? सवाल साथ का नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों को सड़कों के ऊपर घसीटा गया था, सवाल उस बात का है, जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश के लिए खेलते हैं, खिलाड़ी पूरे देश का होता है, लेकिन जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के राज में खिलाड़ियों के साथ जो बदसलूकी हुई है उसको पूरा देश और हरियाणा कभी माफ नहीं। ठीक है सतीश बंसल जी, अब तो आप हर एक मंच से और चुनावी प्रचार में हर एक मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे आप और आपकी पार्टी, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि कन्हैया पर रुख कब तक साफ होता, ऑफिशियल न्यूज कब तक आती है। शुक्रिया सतीश जी जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़े और एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि कैसे कन्हैया हमारे साथ बात करते हैं, एबीपी न्यूज से ऑफिशियली बात करते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें कांग्रेस जाना है। बीजेपी से बात की लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी जैनेन्द्र का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैनेन्द्र, सतीश जी से तो अभी बात करी, वो लोग साफ तौर पे तो अभी नहीं बता रहे कि कब तक की प्लानिंग है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि कब तक ज्वाइन कर सकते हैं कन्हैया और कहां करेंगे ज्वाइन? बातचीत चल रही है और बताया जा रहा है कि आज और अगर आज नहीं तो कल वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और सोर्सेज ने ये भी कंफर्म किया है कि वो पंचकुला से टिकट मांग रहे हैं और कल उस पर कांग्रेस विचार भी कर रही है और संभवतः पर्दे के पीछे डील होने के बाद ही कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया है। और ये एक बड़ा कैच है हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए और खासतौर पर बीजेपी के वोट बैंक में सेल लगाने के लिए। एक हिंदुवादी छवि है कन्हैया मित्तल की, बड़ी चर्चित है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी कन्हैया मित्तल के तौर पर मिलेगी। और देखना यही है कि क्या कन्हैया मित्तल जो महज टिकट के लिए बीजेपी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी से दूर जा रहे हैं, क्या कांग्रेस से टिकट हासिल कर पाएंगे या नहीं। आपसे कुछ देर पहले कन्हैया मित्तल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, संभव हम थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाने की स्थिति में होंगे। उसमें वो कह रहे हैं कि सनातन का काम कांग्रेस में रहकर के भी हो सकता है। तो इस तरीके से कन्हैया मित्तल ने पूरी तरह ये कंफर्म कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि जो उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, फिलहाल वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में रह करके भी अपनी जो सोच है, विचारधारा है, उसके लिहाज से काम करते रहेंगे। हालांकि कितना कर पाएंगे ये बताएगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ी कामयाबी कन्हैया मित्तल, जो कि दक्षिण पंथी में हिंदुवादी विचारधारा के लोगों में काफी चर्चित है, वो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस जो है वो एक तरीके से हम कहते हैं। बिल्कुल जैनेन्द्र, कांग्रेस का हरियाणा कांग्रेस का जो गुलदस्ता है वो और विविड हो रहा है, उसमें और तरीके के फूलों की एंट्री हो रही है जिसमें खिलाड़ी के साथ एक और गायक की एंट्री, देखते हैं ये कब तक ऑफिशियल हो जाती है। चलिए, हरियाणा में चुनावी अखाड़ा सज गया है, सभी दल मैदान में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग को अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज के दो बड़े अपडेट जो आपके सामने रखें, आज से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का चुनावी अभियान में उतरना, अपने ससुराल की सरजमी पर जाकर के लोगों से वोट अपील करना, उनका आशीर्वाद लेना। कांग्रेस ने विनेश को जिंद की जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया है, पहुंच करके किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ वो तस्वीर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अपडेट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर के है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही पार्टी के नेताओं में गठबंधन को लेकर अब बात सकारात्मक हो चुकी है। कल तक हरियाणा में गठबंधन का ऐलान भी हो जाएगा और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि आपकी तरफ से अगर 10 के बजाय 5 सीटों पर बात बनती है तो अपनी पसंदीदा यानी फेवरेट सीट चुनने पर बनेगी। दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते चलें। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है आज के डेट में अगर आप देखें, क्योंकि कल तक और इवन आज भी आम आदमी पार्टी की ओर से बयान दिया जा रहा था गठबंधन को लेकर के कि हमारी तैयारी पूरी है, हमें हल्के में लेने की जो गलती करेगा पछताएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बयान भी सामने आ गया है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी, विनेश ने जुलाना पहुंचकर यह कहा, लोगों का प्यार मिल रहा है, विनेश ने ये बातें कही कांग्रेस उम्मीदवार जुलाना सीट से। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बस इनके उम्मीदों पे खरा उतरूं, जिम्मेदारी आ गई है, दिल से निभाऊंगी और आशीर्वाद रहेगा परमात्मा का। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बस इनके उम्मीदों पे खरा उतरूं, जिम्मेदारी आ गई है, दिल से निभाऊंगी और आशीर्वाद रहेगा परमात्मा का। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है, जिम्मेदारियां दिल से निभाऊंगी, लोगों का प्यार मिल रहा है, ये है आगाज। कदम रखने के साथ ही किस तरीके से उन्हें आशीर्वाद और प्यार मिला, इससे गदगद नजर आई विनेश। और हरियाणा के दो पहलवानों का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया। कांग्रेस में शामिल होते ही इनकी पॉलिटिक्स
ऑन है, शुरू है। दोनों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने विनेश को टिकट दिया तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर कई सवाल खड़े कर दिए। पहला बड़ा जो हमला उन्होंने किया, एबीपी न्यूज संवाददाता विनेश पांडे के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सारी बातें कही और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ हैं। ब्रजभूषण जी, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। जी, कल देखा मैंने टीवी पर और कांग्रेस में अच्छा स्वागत उनका हो रहा है। देखिए, 18 जनवरी को जब धरना प्रारंभ हुआ था और मुझे जब अपनी बात रखने का मौका मिला था तो मैंने कहा था इसमें कांग्रेस शामिल है, राहुल जी शामिल है, प्रियंका जी शामिल है और ये सारी योजना दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने मिल करके ये योजना इन्होंने रची थी। इसके पीछे दो मकसद था, एक था भारतीय कुश्ती संघ पर इनका कब्जा, क्योंकि 2012 में मैंने इन्हीं को हरा करके और उस समय मुझे 47 मत मिले थे और इनको मात्र 3 मत मिले थे, इन्हीं को हरा करके मैं इस कुश्ती संघ पर कह लीजिए कि हम लोगों का कब्जा हुआ था। और ये सारी योजना बहुत दिन से चल रही थी, उसके पीछे एक मंशा थी कि कुश्ती संघ पर कब्जा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला, मोदी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला। और मैंने उसी समय कहा था ये झूठ है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का था, ये पूरी कांग्रेस की एक साजिश थी जो हमारे खिलाफ की गई। अब तो वो चुनाव लड़ने जा रही हैं विनेश, अब तो आपके लीग में शामिल हो जाएंगी, चुनौती कितनी बड़ी है नेता नेता वर्सेज। देखिए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया बच जाएगा। अब आए हैं तो देखेंगे ये दुनिया क्या है, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा, झूठ इसमें नहीं चलेगा, जनता के सामने जाना पड़ेगा, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। आपने 1.5-2 साल तक हिंदुस्तान की कुश्ती को बर्बाद करके रख दिया, आज ओलंपिक में मात्र 1 मेडल आया है और मैं बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कुश्ती को डिस्टर्ब ना किया होता तो आज कुश्ती से केवल 5 या 6 मेडल होते। और ये मैं नहीं लाता, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, जूनियर बच्चे, अभी देखिए एक बच्ची वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा की बच्ची गोल्ड मेडल लेकर के आई है। ये अब ये कुश्ती किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं है और सेकंड जनरेशन जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन ठीक है, राजनीति में आई है, अब इनके खड़यंत का पर्दाफाश हो गया, अब जनता के सामने जाएंगी, अपनी बात रखेंगी। और देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर सियासी तपिश बढ़ गई है। ज्वाइनिंग के बहाने बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी मैदान में हैं, तो जवाब देने के लिए बजरंग पुनिया भी सामने आए। आपकी कांग्रेस में एंट्री हुई और ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया, प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। पहले से मैं कह रहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश कांग्रेस कर रही है, बजरंग और विनेश और तमाम खिलाड़ियों के जरिए, और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। ये एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वो सही साबित हुए और वो कह रहे हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। आप इस पर उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? अब कोई किसी भी पार्टी में जाए जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, इसका मतलब वो सब सिद्ध हो जाते हैं कि भाई वो साफ है। उससे पहले भी उसमें 84 मुकदमे हैं खिलाड़ियों ने लगाए, उससे पहले भी, तो वो क्या साफ सभी के थे? दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि मीडिया ने ही उनको स्टार बना रखा है, बार बार में उसका नाम लेके कि भाई ब्रजभूषण जी ये बोल रहे हैं, ब्रजभूषण जी वो बोल रहे हैं। जिस आदमी ने महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है वो टीवी मीडिया पे बोल रहा है पूरे देश के सामने कि हाँ मैंने एक लड़की को गले लगाया, उसने असहज महसूस किया, तो आप इसको क्या मान रहे? सबूत नहीं, एक 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 चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, सबूत नहीं है ये
जो आदमी अपने मुंह से बोला कि एक लड़की को गले लगाया, उसने ऐसे महसूस किया, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? यही तो वो कह रहे हैं, वो सियासत में है, जब उन पर आरोप लगे, और किसी पर भी आरोप लगते हैं वो आरोपों को झुठलाता है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश कर रही है, मतलब वो अपने मुंह से बोल रहे, वो भी कांग्रेस बुलवा रही है, जो उसने अपने मुंह से बोला वो कांग्रेस ने बुलवाया था। अब जब आप और विनेश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो कह रहे हैं देखो शुरू से मैं कह रहा था ये कांग्रेस कर रही थी, अब ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में आ गए। जब जनवरी, पिछले साल जनवरी में हम जंतर मंत्र में बैठे थे, तो हमने तो एक भी पार्टी को ऊपर नीचे नहीं दिया था, किसी भी आदमी को, चाहे वो कांग्रेस का था उस समय, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे बीजेपी का था। बीजेपी के तो हालांकि आए नहीं, लेकिन हमने तो एक आदमी को भी नीचे नहीं दिया कि भाई हमारा ये राजनीति कोई मुद्दा नहीं है, हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें इन बेटियों के साथ गलत हुआ, उसके लिए उस आदमी को फेडरेशन से दूर होना चाहिए, तो उसको उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ ये लड़ाई थी, लेकिन वो जबरदस्ती बीजेपी ने अपने ऊपर वो लड़ाई लेके, पूरे उसको बचाव करने के लिए बीजेपी ने अपने ऊपर लड़ाई लेके पूरे बीजेपी की लड़ाई बना दिया उसको। वही सवाल है कि ये लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, अब आप कांग्रेस में आ गए, अब आपकी लड़ाई बीजेपी से है, तो ये एक शख्स के खिलाफ लड़ाई और अब एक पार्टी एक सरकार के खिलाफ लड़ाई। देखिए वो बीजेपी ने उसी टाइम अपने ऊपर ले ली ना, अगर वो खिलाड़ियों का सपोर्ट करें तो, हमने तो लेटर लिखे थे उनके सांसदों को कि भाई आप आइए, कोई भी सांसद आया? कोई भी नहीं आया। और जिन ओपोजिशन में जब वो जो लोग थे, तो हमने तो उनको बोला था, विपक्ष में जो लोग थे उनको तो बोला भी नहीं हमने, और उन लोगों को बोला हमने कि भाई आप आइए, वो बोलने के बाद भी नहीं आए, और ये लोग बिना बोले भी हमारे साथ खड़े हुए। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे, पूरा देश देख रहा कि भाई आप जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं आप उसके साथ खड़े हैं, तो ये लगा ना। तो ऐसे लोगों के साथ हम जाके क्या करें, हम जवान आज रोड पे हैं, किसान आज रोड पे हैं, खिलाड़ी आज रोड पे हैं, तो उस पार्टी के साथ हम जुड़ के क्या करेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, आज चुनावी रैली है और उनका संबोधन चल रहा है, वो आपको सुनाए, जहां पर 370 कदम करने के जिक्र से लेके जम्मू कश्मीर के विकास के पथ पर चलने की बातें हैं, सुनते हैं। हमदर्दी हुआ करती थी, अभी मैंने सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है, 40,000 की भर्तियां की हैं, और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में। बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए, यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके यह फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं, पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, आइए हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को, बॉर्डर फेंसिंग का काम कुछ हुआ है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कुछ बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है, उस बॉर्डर फेंसिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन सारी चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आपके पास घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र है, उसी कॉपी है? नहीं है। तो बहनों भाइयों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा किस बार के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को हम क्या सुविधा देंगे, नौजवानों को क्या हम सुविधा देंगे, अन्य सारे लोगों को क्या क्या सुविधाएं देंगे। अब हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिलती थी, हम लोगों ने फैसला किया है कि अब
जिनको गैस सिलेंडर की सुविधा मिलती है उनको वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर और मुहैया कराएंगे, यह भी हम लोगों ने तय किया है। और दूर दराज इलाकों में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप यह जो है मुफ्त में मुहैया कराने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। बड़ी खबर आपको दे, लखनऊ हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया, पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया, घायलों को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग घायल हुए हैं और अब इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। दरअसल लखनऊ में इमारत गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। 3 मंजिला इमारत थी और अचानक से ये गिर गई जिसमें 28 लोगों के घायल होने की खबर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, INLD में शामिल हो गए हैं आदित्य चौटाला। 2 दिन पहले उन्होंने कृषि मार्केटिंग बोर्ड से इस्तीफा दिया था और अब यह माना जा रहा है कि INLD की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आदित्य चौटाला INLD में शामिल हो गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही उन्होंने कृषि मार्केटिंग बोर्ड से इस्तीफा दिया था और अब वो INLD में शामिल हो गए हैं। HSAM बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी आदित्य चौटाला के पास थी लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि वो INLD में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जैसे ही हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई उसके बाद से ही लगातार जो है नाराजगी वो सामने आ रही है नेताओं के बीच और अब एक बड़ी खबर यह है कि INLD में शामिल हो गए हैं आदित्य चौटाला। कुल मिलाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, लगातार देख रहे हैं बीजेपी की जैसे ही पहली लिस्ट जारी हुई उसके बाद नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, अब आदित्य चौटाला भी INLD ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है? जी देखिए, आदित्य चौटाला INLD में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के लिए झटका तो है ये, पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब से बीजेपी की फर्स्ट जो लिस्ट आई है कैंडिडेट की 67 की, उसके बाद से लगातार जो है 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन लगातार जो है बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो है रेजिग्नेशन और पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि जब जो पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है टिकट अनाउंस करती है, कैंडिडेट अनाउंस करती है, तो 1-2 दिन जो है उसके आफ्टर शॉक जो है वो फील करती है पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, जो लीडर जो है नाराज होते हैं या जाते हैं पार्टी छोड़ के। पर इतनी लंबी जो ये चल रही है कतार जो है 40 के करीब लीडर जो है वो बीजेपी जो है छोड़ चुके हैं हरियाणा में जो है फर्स्ट लिस्ट के बाद, तो बीजेपी के लिए ये ज्यादा मुश्किल है कि बीजेपी कैसे इस सिचुएशन से जो है निकलेगी, क्योंकि लीडर्स की जो रिजेंटमेंट है टिकट अलॉटमेंट को लेकर वो जो है थम नहीं रही है। ठीक है सचिन, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो ताऊ देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बेटे हैं आदित्य चौटाला और अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि उन्होंने INLD ज्वाइन कर लिया।